क्या ब्रह्मांड में एलियंस हैं? वैज्ञानिक सालों से इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। एलियंस को लेकर बेहद लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल के दिनों में एलियन को लेकर बहस तेज हुई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारे सौर मंडल और उससे बाहर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। रेडियो सिग्नल से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक नासा ने एलियन की खोज से जुड़े मिशन में तैनात किए हैं। मंगल ग्रह पर तो सिर्फ जीवन के सबूत खोजने के लिए ही नासा ने रोवर भेज रखे हैं। हालांकि आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो एलियन होने को साबित कर सके। लेकिन दुनिया में एलियन है या नहीं और हैं तो वे कहाँ हैं? इसके बारे में नासा का क्या मानना है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नासा का कहना है कि एलियन की खोज अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता है। नासा की खगोल विज्ञानी लिंडसे हेज कहती हैं कि हम सभी सबसे मुश्किल सवाल की खोज कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी से परे जीवन है या नहीं, लेकिन आज हम आखिर पृथ्वी के बाहर एलियन की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल अमेरिका के एक पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड ब्रुश ने दावा किया है कि अमेरिका के पास एक यूएफओ है। इसके अलावा उसके पास इस यूएफओ में बैठे एलियन का शव भी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वह इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लंबे समय से नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, उसे एक्सप्लोर करने और जानने के लिए एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। हालांकि उनके प्रयासों के बावजूद आज तक किसी भी एलियन दुनिया को नहीं खोजा जा सका है। डॉक्टर हेज का कहना है कि हम ऐसे और जगहों की खोज करते हैं जहां जीवन मौजूद हो सकता है। हमने अभी अभी दूसरे ग्रहों पर खोज करना शुरू किया है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे गए हैं। उनके शानदार कैमरे लाल ग्रह की तस्वीर खींच रहे हैं, लेकिन हम अभी उसका एक छोटा सा हिस्सा ही देख सके हैं। हमारे सौर मंडल में कई और जगह हैं जहां जीवन हो सकते हैं। आए दिन कई लोग एलियन और यूएफओ देखने का दावा करते हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां और वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर एलियन की तलाश कर रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे सौर मंडल में कहां कहां पर एलियन के होने की संभावना है। सौरमंडल में शुक्र ग्रह पर जीवन होने की संभावना है। इस ग्रह का वायुमंडल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ किसी अन्य तरह के जीवन होने की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह के बादलों में जीवन होने की संभावना है, और वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मंगल की सतह के नीचे जीवन होने की संभावना है। मंगल ग्रह पर नासा का परसीवरेंस रोवर मौजूद है, जिसने हाल ही में चट्टानों के सैंपल लिए हैं। इस जगह पर कभी पानी था, इसकी वजह से माना जा रहा है कि लाल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल की यह सैंपल ट्यूब 2030 तक धरती पर लौटकर आएगी। इसके बाद पता चला कि मंगल ग्रह पर क्या अभी भी माइक्रोबियल जीवन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा एनसेलाडस पूरी तरह से बर्फ से ढका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के नीचे जीवन पनप सकता है। असल चंद्रमा एनसेलाडस बर्फीली सतह के नीचे पानी है। कई बार ऐसा होता है कि सतह से निकलकर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी निकलते हैं, जो धरती पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर भी एलियन जीवन हो सकता है। ग्रह की सतह पर बर्फ है, लेकिन इसके नीचे का पानी नमकीन है। यह पानी समय समय पर ऊपर आता है और बर्फ बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक चक्र है। नेपच्यून ग्रह का ट्राइटन सबसे बड़ा चांद है, जिसकी सतह पर छेद हैं। इन छेद से नाइट्रोजन गैस बाहर आती रहती है, और यह भी एक ठंडा इलाका है। इसके पीछे की वजह से सूर्य से इसकी दूरी है। इसके ज्यादातर सतह का निर्माण जमीन नाइट्रोजन से बना है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मांड में एलियन कहां कहां हो सकते हैं। बाकी अब आपको इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।